नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे चैनल इंडियन ट्रेन की जानकारी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज जो नई ट्रेन जानकारी है वह है मैसूर वाराणसी एक्सप्रेस। हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे यह गाड़ी कितने बजे चलती है और कितने बजे पहुँचती है, इसके रूट की बात करेंगे और कोच और किराया की भी जानकारी देंगे। यह सब जानकारी देने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, मैसूर वाराणसी एक्सप्रेस का गाड़ी नंबर 22687 है। यह गाड़ी मैसूर जंक्शन से वाराणसी जंक्शन के बीच में मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन चलती है। मैसूर जंक्शन से वाराणसी जंक्शन के बीच की दूरी 2706 किलोमीटर है। यह गाड़ी इस दूरी को 48 घंटा 55 मिनट में पूरा करती है। इस गाड़ी का एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर घंटा है। इस गाड़ी में LHB कोच लगी हुई है। इस गाड़ी को दक्षिण पश्चिम रेलवे जोनल ऑपरेट करती है। इस गाड़ी की पहली सेवा 25 दिसंबर 2014 को आरंभ हुई थी। यह गाड़ी मैसूर जंक्शन से चलकर KSR बेंगलुरु, यशवंतपुर, अस्थिकेरा जंक्शन, बल्लारी, गुंतकल जंक्शन, सोलापुर जंक्शन, मनमार जंक्शन, भुसावल जंक्शन, इटारसी जंक्शन, जबलपुर, सतना, प्रयागराज चिवकी होते हुए वाराणसी को जाती है। यह गाड़ी मैसूर जंक्शन से सुबह 7:30 पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और 48 घंटा 55 मिनट का यात्रा तय करते हुए वाराणसी जंक्शन को तीसरे दिन सुबह 8:25 पर 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इस गाड़ी में कोच की बात करें तो इसमें सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल के कोच लगे हुए हैं। इस गाड़ी के टिकट किराया की बात करें जो कि मैसूर जंक्शन से वाराणसी जंक्शन के बीच तक का है, सेकेंड AC 3,465 रुपया, थर्ड AC 2,380 रुपया, स्लीपर क्लास 920 रुपया और जनरल टिकट 555 के करीब है। इस गाड़ी का सटीक टिकट किराया जानने के लिए रेलवे के काउंटर में आप लोग जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, मैसूर वाराणसी एक्सप्रेस की जानकारी यहीं समाप्त हुई। और भी किसी ट्रेन की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।